आचार्य कन्या महाविद्यालय में इको क्लब के संरक्षण में वनस्पति विभाग द्वारा एक जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज प्रदर्शनी का मुख्य बिंदु टाइमिंग फॉर नेचर था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चार्ट, पोस्टर और स्लोगन द्वारा छात्राओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जागरूक करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा बेहद कलात्मक और संदेशों से भरे चार्ट, पोस्टर तथा स्लोगन बनाए गए, जो कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करते हुए नजर आए। प्रदर्शनी में जल संरक्षण एवं संवर्धन, जैव विविधता, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, सेफ ट्री सेफ अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण आदि विषयों पर छात्राओं ने जागरूक किया। इस दौरान तालाबों के संरक्षण का संवर्धन के बारे में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। बताया गया कि तालाब हमारी धरोहर है, जो अनेक इको सर्विस प्रदान करने के साथ हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। पर्यावरण में तालाबों की विशेष भूमिका होती है। तालाब भूजल को साफ करने के साथ ही रिचार्ज करने में भी मदद करते हैं। वर्षा के जल को संरक्षित व संवर्धित करने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान साहित्य भी उपलब्ध कराया गया। प्रदर्शनी का आयोजन वनस्पति विभाग द्वारा किया गया। इसके संचालन में एनसीसी, एनएसएस, सामुदायिक सेवा समिति, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी विभाग की छात्राओं एवं शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। कार्यक्रम में छात्राओं ने जानकारी के साथ प्रोत्साहन भी प्राप्त किया। मुस्कान कक्कड़, बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ, दयानंद कॉलेज से। सर, आज इको क्लब की तरफ से एक सेव एनवायरमेंट पे हमने पोस्टर्स लगाए हैं सर, एग्जीबिशन है। सर, मेरा चार्ट पीछे टाइम फॉर नेचर टॉपिक है सर। एक तरफ मैंने पोल्यूशन दिखाया है, चार बेसिकली पोल्यूशन होते हैं, नॉइस पोल्यूशन, सॉयल, वाटर एंड एयर। और एक तरफ मैंने क्लीन एनवायरमेंट दिखाया है, उसमें सोलर एनर्जी दिखाया है, क्लीन वाटर दिखाया है एंड रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। और सर, एक तरफ मैंने सैंड क्लॉक बनाया है, जहाँ ऊपर क्लीन एनवायरमेंट है और नीचे मैंने ये दिखाया कि टाइम के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा।